नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस टेकू डाटा के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे और सीखेंगे कि कोई भी तार यानी सीधा अगर हमको जोड़ना है तो उसको किस तरह से कनेक्ट सही प्रकार से करें ताकि हमारा जो वहाँ पर क्या होता है कि कभी स्पार्क वगैरह होता है वो नहीं हो पाए, और इस तार को आगे की तरफ कैसे बढ़ाया जाए, मतलब लाइन अगर सीधे आगे ले जाना है तो किस तरह से कनेक्शन करके बढ़ाया जाए, तो इस पर आज हम लोग काम करेंगे और सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें सिंगल तार का, जैसे मान के चलिए हमारा सिंगल तार है, तो सिंगल तार का सीधा जोड़ अगर हमको बनाना है, यानी कहीं पे मान के चलिए हम एक क्वाइल लाए और एक क्वाइल हमको ज़्यादा दूर तक ले जाना हो और वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसको कैसे ट्विस्ट करके आगे बढ़ाएं, यानी ज्वाइंट करके आगे बढ़ाएं, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए कोई भी तार, हमारा दो सिंगल वायर हो गया, ठीक है, तो इसको हमको आगे की तरफ जोड़ना है। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, टूल्स मटेरियल क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए हमको कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, इसके लिए साइड कटिंग प्लायर है उससे भी काम चल जाएगा, और वायर स्ट्रिपर है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये सब हमारा टूल्स हो गए। मटेरियल में आते हैं तो हमारा जो भी वायर है वो चाहिए। इसके बाद से आते हैं तो एक कॉटन वेस्ट होता है और क्या बोलते हैं उसको, रेग माल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यानी इसको इंसुलेशन जब हटाते हैं तो इसमें का जो कंडक्टर होता है उसको साफ करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हमारा कॉटन वेस्ट हो गया। अब इस वायर को अगर हम छीलते हैं, इस वायर का इंसुलेशन अगर हम हटाते हैं इस तरह से, तो इसमें आप जब छू कर देखिएगा ना तो काला काला थोड़ा सा लग जाता है, यही क्या मॉइस्चर वगैरह रहता है, तो ये क्या करता है कि उतना अच्छा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी उतना अच्छा नहीं दे पाएगा, रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको छीलने के बाद क्या करते हैं, इसको साफ़ कर देते हैं कॉटन वेस्ट या रेगमाल से। तो इस तरह से इसको छील करके हम क्या करते हैं कि साफ़ कर देते हैं, साफ़ कर दिए। इसके बाद दूसरा टर्मिनल अगर है, दूसरा टर्मिनल को भी लेके क्या करना है हमको, इस तरह से क्या करना है, स्लाइड मूव कर देना है, हटा देना है, और इसको अच्छी तरह से क्या करना है, साफ़ कर देना है, ठीक है। इसके बाद से जब आते हैं देखते हैं तो इसका ज्वाइंट कैसे करें, तो बहुत सारा लोग होता है जो ऐसे रख करके ज्वाइंट कर देते हैं, ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, तो ये सब सही नहीं है, ये गलत तरीका है। हमको इस तरह से ज्वाइंट करना है कि ताकि ये ज्वाइंट हमारा मजबूत भी हो और ये ज़्यादा रुखरा भी नहीं हो, यानी ओवर नहीं हो यहाँ पर लपेट किसी का, ठीक है। तो इस तरह से ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दो तार लेते हैं, इसके बाद इसके आगे का इंसुलेशन हटा देते हैं कुछ सेंटीमीटर तक, जितना हमको ज़रूरत है उसके आधार से। इसके बाद से आते हैं तो इसको हम इस तरह से क्रॉस रखते हैं, ठीक है। और क्रॉस रखते हुए क्या करेंगे कि हम इसको, यह हो गया हमारा, अब इसको हम क्या करते हैं, एक तरफ से इसको हम ऐसे बैंड करते हैं, ऐसे बैंड करते हैं, और बैंड करने के पश्चात यानी हम जब ये लपेट यानी ये जो टर्न बना रहे हैं इसमें क्या होना चाहिए कि हमारा गैप नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, और ये पूरी तरह से कसा हुआ होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस तरह से क्या है, इस तरह से लपेट जब है तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए, और कसा हुआ होना चाहिए ताकि ये मजबूत बने और अच्छा बने। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ तक आ गया, जब हाथ से नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, एक प्लायर की सहायता से क्या करते हैं, इसको इस तरह से दबा देते हैं, इस तरह से हम दबा देते हैं इसको। तो ये देखिए, ये हमारा एक तरफ का टर्न हो गया। अब इसको चलिए एक, अगर एंटी क्लॉक किए तो क्लॉकवाइज, अगला टर्न को क्या करना है, क्लॉकवाइज यानी उल्टा दिशा में, ऐसे इसको किए तो अगला को ऐसे करेंगे, तो हम इस तरह से पलट देते हैं ताकि सुविधा हो। अब इसको है तो इस तरह से, अब ये तो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद से ये वाला टर्म जो पॉइंट है इसको क्या करेंगे, इस तरह से आप मूव करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे इसको। अब देखिए इसमें भी उसी तरह से जब खसके तो क्या करना है, एप्लायर की सहायता से इसको दाब देना है, और इस तरह से हम क्या करना है, टर्न फिर बनाना है इसमें। ये देखिए, ये इस तरह से हमको टर्न बनाना है, और जहाँ तक फिर बच गया उसको क्या कर देना है, ये इस तरह से हमको फ्लायर की सहायता से दबा देना है। अब ये हमारा जॉइंट मजबूत भी हो गया और ये अच्छा भी हो गया, यानी इसमें स्पार्क भी नहीं होगा और ये हमारा मजबूत भी हो जाएगा। ऐसे अगर आगे बढ़ाएंगे भी तो यहाँ पर खिंचाव नहीं होगा, तार ढीला नहीं होगा, लूज नहीं होगा, और इससे कंटिन्यूटी भी अच्छा मिलेगा हमको और प्रतिरोध भी कम हो जाएगा,
तो इस तरह से हम ज्वाइंट बनाते हैं किसी भी वायर को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए। अब इसका नाम अलग, मतलब अलग अलग प्रकार के नाम भी होते हैं, ज्वाइंट के आधार से इसका नाम भी होता है। तो अगर हम सीधा यानी सिंगल तार है, इसका ज्वाइंट अगर किए सीधे बढ़ाने के लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंगल तार का सीधा जोर बोल सकते हैं, ठीक है, सिंगल तार का सीधा जोर बोल सकते हैं हम इसको। तो इस तरह से अगर आप कोई भी कनेक्शन करते हैं यानी सीधा जोर का, तो ये आपका ये सही होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं कि मान के चलिए हमारा ये दो तार है, तो क्या करेंगे कि उसको ऐसे कर लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे, इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं। कैसे, तो इस तरह से रखते हैं और इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं। ये इस तरह से ट्विस्ट करने पर होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये हमारा सीधा ले जाना है और इसको हम इस तरह से ट्विस्ट कर दिए और ऐसे खींचे, तो एक तो एक ये गड़बड़ हमारा मतलब उभरा हुआ हुआ, और ये है कि ऐसे अगर खींचने पर क्या हो सकता है, इसका जो लपेट किस ये है लपेट जो ढीला हो सकता है या लूज हो सकता है, तो क्या है लूज होगा, स्पार्क होगा, ढंग से सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो सही ज्वाइंट हमारा ये होता है। तो इस तरह से ज्वाइन अगर कीजिएगा तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ज्वाइंट नहीं करना है, इस तरह का ज्वाइंट बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप इसमें इंसुलेशन यानी टेप अगर लगाना चाहते हैं तो इस पर आप टेप ढंग से भी लग जाएगा वो, ना कि क्या और होगा क्या कि इस पर पानी वगैरह भी ढंग से लगा दीजिएगा, पानी का भी कोई असर नहीं होगा और ये मजबूत भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज्वाइंट बना सकते हैं कहीं भी सीधा तार को ले जाने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। और अब इसके अब और भी जो ज्वाइंट का जो पार्ट है, नाम है अलग अलग, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।